पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री फॉर लास्ट 30 ईयर्स हैज़ बीन स्टंटेड टोटली, लेकिन फ्रॉम 2017 एंड ऑनवर्ड्स, लाइक 1970 ऑनवर्ड्स तो कम्प्लीटली एक स्टंटेड ग्रोथ रही है टिल 2000, बट लेटर 2000 के अंदर 2009 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा पिकअप किया था इंडस्ट्री ने, और वो भी आई थिंक इंडिविजुअल उसकी उस पे था, मीडिया, बड़े मीडिया हाउसेस ने फिल्में बनाई, ISPR ने फिल्म्स बनाई, और उसकी वजह से एक रिवाइवल इंडस्ट्री की शुरू हो गई, और उसके साथ साथ जो लेकिन जो एक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक ऑन इट्स ओन वो नहीं हो रही फिल्म के अंदर, क्योंकि हमारे सिनेमाज़ नहीं हैं जो एलीट कैप्चर है एंटरटेनमेंट के ऊपर, के जो आपके मल्टी स्क्रीन सिनेमाज़ भी हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी इज़ अ चैलेंज फॉर जनरल पब्लिक टू गो वॉच फिल्म्स. तो उसके लिए 2017 में गवर्नमेंट ने एक पाकिस्तान की पहली फिल्म पॉलिसी, एक पूरा विजन देती है कि कैसे ये पूरी दुनिया में उन कंट्रीज़ में जहाँ फिल्म स्ट्रगल किया, फिल्म इंडस्ट्री ने, ड्रामा इंडस्ट्री ने, म्यूज़िक इंडस्ट्री ने, उनका रिवाइवल कैसे हुआ, और किन कंट्रीज़ के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी वो कैसे लास्ट 10 ईयर्स के अंदर उसकी ग्रोथ हुई है. दिस वॉज़ द विजन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, जिसको 2018 में हमने बजट के इंसेंटिव्स में इंक्लूड किया, लेकिन दोबारा जब हमारी गवर्नमेंट लास्ट ईयर आई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर ये सब्जेक्ट है, डैम के हेड बैठे हैं जहाँ फिल्म डिवीजन है, फिर PTV के MD बैठे हैं जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं, वहाँ भी फिल्म डिवीजन स्टार्ट की आते ही. और जो सबसे बड़ा काम है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़ीरो टैक्सेशन के ऊपर है, कि अगर आप में से कोई भी फिल्म बनाएगा उस पर जो इनकम होगी वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसी तरह कोई प्रोडक्शन हाउस फिल्म बनाएगा वो भी इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है. जितनी इम्पोर्ट है ऑन इक्विपमेंट और फिल्म मेकिंग एंड सिनेमा वो, और प्रोडक्शन, ड्रामा, उसके अंदर इक्विपमेंट की लिस्ट है, वो सब इम्पोर्ट उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज़ीरो है इस वक्त, कोई ड्यूटी उसके ऊपर नहीं है. इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर फिल्म बनाने में आप लोगों में से किसी को भी पैसे देगा, जो भी आप इंटरेस्टेड हैं फिल्म मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर देगा तो वो FBR से टैक्स क्रेडिट ले सकता है, जिसका मतलब है कि CSR टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है फ्रॉम द FBR डिपार्टमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट का, जो कि ह्यूज इंसेंटिव है. जैसे अगर वो किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और किसी ट्रस्ट में करते हैं, जैसे ईदी में करते हैं, जैसे इसी तरह फिल्म मेकिंग के अंदर अगर वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे या उसको फंड करेंगे तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है. सो इट्स अ ह्यूज इंसेंटिव. उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिल्म फाइनेंस फंड स्टार्ट हो गया, इसका अप्रूवल हो गया, 2 बिलियन का फंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया, जिसके ऊपर एक फिल्म काउंसिल है, और वो जो आप जैसे यंग फिल्म मेकर्स हैं अगर वो फिल्म्स बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं, ड्रामास बनाना चाहते हैं, तो उसको गवर्नमेंट फंड करेगी एज अ ग्रांट फॉर सम ईयर्स, एंड देन उसके बाद कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोन, जिस तरह भी वो चेंज होता है. फिर सिनेमा जो है उसकी 10 साल के लिए इनकम जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया, कि उसकी इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है, और जो सिनेमा 350 रुपये के ऊपर अपनी टिकट को रखेंगे, बिकॉज़ जो जनरल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, उनकी एंटरटेनमेंट का कोई एवेन्यू नहीं है. पहले स्ट्रीट थिएटर्स होते थे, पहले ड्राइव इन सिनेमाज़ होते थे, पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ होते थे जो कि अफोर्डेबल. फॉर एग्ज़ाम्पल मौला जट, किसी ने भी, उन लोगों ने मौला जट नहीं देखी जिन्होंने पिछली मौला जट को हिट कराया था, बिकॉज़ ये एक मल्टीप्लेक्स सिनेमाज़ या ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा बिजनेस किया इसने, लेकिन बहुत ही एक ऐसा रिवाइवल है इंडस्ट्री का जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं ऑफ पाकिस्तानी फिल्म अब्रॉड एंड इन पाकिस्तान. तो इट्स अ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ अ रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. तो सिनेमा के ऊपर भी कम्प्लीट टैक्स एग्जेम्पशन है इनकम के ऊपर. फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर इस फिल्म फाइनेंस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा वो भी CSR, उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स रिफंड मिलेगा इसके अंदर से. तो देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर यू नो यंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्फ हु हैव कम विद स्किल्ड डिग्रीज एंड नाउ यू हैव अ स्किल सेट विच वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान हैव.
वेरी फ्यू यंग प्रोफेशनल्स हैव। जो दूसरा आप लोग होता जा रहे हो उनके लिए भी आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि जब आप वापस आओगे तो ये सारा फ्रेमवर्क अवेलेबल है फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ आपका जो स्किल सेट है। पाकिस्तान का नैरेटिव सिर्फ स्क्रीन टूरिज्म से स्प्रेड हो सकता है और इनकलकेट हो इन जिस तरह फॉर एग्जांपल यू नो आर नेबरिंग कंट्रीज़ ने जिस तरह फिल्म इंडस्ट्रीज़ और अब नई फिल्म इंडस्ट्रीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया ईरान टर्की कतर ये बिल्कुल नई बडिंग न्यू फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं हु हैव रियली टेकन ऑफ वेल सिंस देयर इंसेप्शन। सो ये सारा और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है विद ऑल दिस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दीज टैक्स इंसेंटिव्स एंड विद यू नो फिल्म मेकर्स क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है फिल्म मेकिंग भी टू यू नो मीडिया हाउसेस। एक आम जनरल पब्लिक या कोई प्रोड्यूसर या कोई फिल्म नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो फिल्म फाइनेंस फंड जो है दैट कैन ब्रिज दैट गैप एंड कैन रियली एड वैल्यू जहाँ फिल्में ऑर्गेनिकली बनना शुरू हों और लोग बच्चे बनाएं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ लाइक इकरा लाइक नास्ट लाइक लम्स मैनी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड फिल्म प्रोडक्शन एंड ड्रामा एज देयर डिग्री कोर्सेज इन पाकिस्तान ऑल्सो। वनीज़ा मेरे पास आई हुई थी अभी कुछ डिस्कस करने। शी इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन अकेडमी रिवाइवल आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। तो अभी वो हम पूरी स्टूडियो रिवैम्पिंग एंड स्टूडियो रेनोवेशन के प्रोसेस के अंदर हैं एंड वी हैव ओपन्ड इट टू द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान ताकि लोग बच्चे वहाँ डिफरेंट कोर्सेज कर सकें। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सुहेल साहब इज़ हेयर ऑल्सो जो कि जो एक रिजॉल्व है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान का अपना जो हेरिटेज है जो कल्चर है जो अपना एक नैरेटिव ऑफ यूथ इंगेजमेंट है और इतनी रिच हिस्ट्री है हमारे जो इतना रिच टूरिज़म है अक्रॉस द कंट्री उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू स्क्रीन टूरिज़म। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एंटायर इनिशिएटिव। तो आप लोग जब जाएं आप लोग ऑफ कोर्स यू नो यू आर द लकी वंस हु आर गोइंग फॉर दिस डिग्री एंड द लकी वंस हु आर बैक ऑल्सो जिनके लिए ये तमाम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स यू कैन बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट वी हैव एंड हु आर ऑलरेडी हेयर कैन बी पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग जो कि पी टी वी अकेडमी रेडियो पाकिस्तान की अकेडमी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी के अंदर ट्रेनिंग हो रही है। आप इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं आप अपनी फिल्में बना सकते हैं अपने प्रोडक्शन हाउसेज बना सकते हैं क्योंकि इस वक्त 5-10 साल के लिए बहुत इंसेंटिवस हैं। दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन टू फिल्म इंडस्ट्री वेयर एवरी थिंग इज़ टैक्स एग्जेम्प्टेड एट द मोमेंट। तो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि बहुत कम बच्चे मैंने इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डिग्री की थी 2004 में। तो जब मैं ये डिग्री करने जा रही थी तो मुझे बड़ा लोगों ने कहा रिश्तेदारों ने ये क्या डिग्री होती है ये क्या इसमें कौन सा कोई जॉब सिक्योरिटी है इसमें कौन सी फ्यूचर विजनिंग है कि क्लाइमेट चेंज और ये इन्वायरमेंट बिकॉज उस वक्त थोड़ा सा एक्सपोजर भी लिमिटेड होता है लोगों का लेकिन यू नो 15-20 ईयर्स डाउन द रोड दिस इज़ द सब्जेक्ट यू नो एंड देर आर मेनी फ्यू पीपल हु हैव दीज डिग्रीज इन पाकिस्तान ऑल्सो एंड आई गेव दिस एग्जाम्पल कि आप लोग भी आप जब जा रहे होंगे फिल्म मेकिंग के लिए तो एक होता है कि ये क्या फिल्म मेकिंग के लिए जा रहे हो डिग्री क्या कर रहे हो और ये इस तरह लेकिन ह्यूज पोटेंशियल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आई सी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यू नो आई कैन सी इट्स रिवाइवल एंड ऑल्सो कम्पीटिंग विद आर नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवरसीज़। तो और आप लोग यू आर द वंस हु कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट।